अब उस तरफ का भरने के बाद ये इस तरफ डाल दिया है जी, थोड़ा सा पानी खोल रखा है बस, बहुत निन्ना सा। इन इट्टों को भी आप बेकार ना समझें जी, ये भी न्यू में कहीं ना कहीं जाएंगे, पुरानी इट्टे हैं ये, हमारी पुरानी खोर टूटी थी, बहुत सारे सामान थे घर में सर जो तोड़ फोड़ देते, तो ये हमारे पास में बच गया था मलबा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कुछ भी बनेगा तो न्यू के लिए बहुत बढ़िया है, रोड़े तोड़वा के न्यू में, क्योंकि दोस्तों मिल नहीं पाते उस टाइम पे। तो ये अपना खाली जगह में डाल रखे हैं, इतना सही पानी चला रखा है जी, और ये इतने इतने में सारा भर गया है देखो यहाँ तक, क्योंकि इधर झील है ये, कभी का नाली में लगा हुआ नेपियर। और ये देखो जी पेड़ के नीचे कमाल, बकान का तो कमाल है जी, यहाँ छाया करती है, जबकि छिद्दी छाया है इसकी बहुत ज्यादा। तो ये पुरानी बकान टूटी नहीं, नई आ गई, ये देखे नई नई आ गई, और बकान के पास में महक भी बहुत अच्छी आती है। इधर तीर है 235, जो हमारा बीज था तसला भी दिखा, क्योंकि वो तो सोके का बीज था और मुने माने से थे, तो ये तो पीला पीला उगता है, वो काला उग रहा है उधर, हो जाएगी पेड़ी बढ़िया। तो ये इधर यहाँ पानी चल रहा है जी, इसमें झील तक आ गया होगा जरूर, ये इसे नोच देते हैं इधर, इन्हें नोच के फेंक देते हैं इधर। बबलू भाई अब घर चल दिए हैं जी, बबलू भाई को बहुत जरूरी काम है। अच्छा जी भाई नमस्कार, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वहाँ काम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ गन्ने कल के इतने कटे पड़े थे, वहाँ जो है एक दो ही छोला लग रहे हैं। तो जी ये देखते हैं यहाँ चढ़ के, यहाँ पानी जरूर आ गया होगा, आ गया है जी देखो पानी वहाँ, ये इसमें पानी आना बहुत जरूरी था जी, ये बिल्कुल सूखा। तो ये तो पेड़ की वजह से यहाँ बचा हुआ, नीचे देखो ये एक ही आँख है, एक आँख वो है, देखो कितनी छोटी जगह में है, एक ये है, इनके जैसा प्रोडक्शन नहीं है किसी का भी। तो देखो पेड़ के नीचे पानी इतना, पेड़ अपने नीचे इतना पानी का संचय कर लेता है, इतना इकट्ठा कर लेता है कि देखो पेड़ के नीचे ये नहीं मुरझाया बिल्कुल भी, ये मुरझा गया खुले में। यो देखो जी आधे घंटे में लोड फेर, सोनाली का ट्रैक्टर ने आधे घंटे में लोड फेर मार दी है जी मील से। यो देखो जी वो जालिया खल्ली करके चीता, वो जा रहा धाएं धाएं, दोस्तों अब ये दूसरी ट्रॉली भरेगा, वो देखो क्या धाएं धाएं जा रहा। तो दोस्तों दिन में खाली रहता है मील, रात में जाती हैं ट्रोलियां सारी भर भर के। तो आप कमाल ये देखो जी के आधे घंटे में, इतने में वहां से पानी ही चला रहा हूँ, आधे पौने घंटे में ट्रैक्टर गन्ने डाल के मील सा लिया जी धाएं धाएं, और अब दूसरी ट्रोली फेर भरेगा। ये रोज तीन तीन फेरे घेर रहा जी, पानी आ गया है जी इस कोने तक, ये मैंने यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, पन्नी वन्नी सब नीचे तक आ गया है जी वहाँ पानी। तो यार किसी चीज के ऐसे पेड़ के नीचे और नए पेड़ के यहाँ दोस्तों ऐसे लेटने के निशान हो रहे हैं, या तो कोई कुत्ता आता है डेली दोपहर में लेटने, या गिद्दड़ है, या कोई नेवला है, कुछ भी है मतलब इस ठंडी छाया में, क्योंकि नेपियर के नीचे ठंड रहती है। तो जी ये चल ही रहा है, हाँ देखो कैसा जल गया था, ये सूख गया था बुरी तरह से, तो ये पाइप मुड़ रहा था दोस्तों, बिल्कुल पर कर दिया है जी वहां से वहां तक, थोड़ा सा इधर फिर दोबारा से चला देंगे। तो जी पानी चल गया बहुत बढ़िया, अब दोस्तों अपना चारा उठाते हैं फटाफट और चलते हैं, गोले जो कल के पड़े हैं दोस्तों उन्हें भरते हैं, फिर घर चल के चारा काटते हैं, काम बहुत रहता है जी। अब दोस्तों उस तरफ भरने के बाद दोबारा इस तरफ कर दिया है, और ये साइड के जो है इनमें भी पानी दे दिया है जी, बस ये रह गया है अगर एक ये रह गए हैं दो, एक इनमें कनस्तरी से डालना पड़ेगा, यहाँ तक पाइप आ नहीं पाया, ये बराबर की नाली खुदवानी पड़ेगी बरसात में, फिर ये नेपियर पूरा सड़क तक लग जाएगा। तो ये दोस्तों 10-20 कुंटल नेपियर जो है साल भर में इसमें भी होया करेगा, फिर बीच में चक्रोड है, क्योंकि दोस्तों इस चक्रोड जो है ये 24 फुट चौड़ी है इधर तक, तो ज़्यादा चौड़ा ही हो रही है ये कभी का हमने जो था चौड़ा खड़ंजा जो था लगवाने के लिए यहाँ तक करवाया था दो, लेकिन दोस्तों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उस टाइम बजट लगा था कि बहुत बढ़िया हो जाएगा काम अपना, लेकिन फिर हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जब अब इतना पक्का रास्ता हो गया एक दोस्तों 7 के साल लगवा नहीं सकते इसे, क्योंकि मिट्टी बैठ जाती है नीचे खड़ंजा ख़राब हो जाता है। तो जब चल रहे हैं इतना पानी चल ही रहा है दोबारा से, फिर इसे जो है नेपियर को ले जाकर रखते हैं, उसमें दोनों बोझ काट के फिर दोस्तों गोले लाते हैं उठा के उधर से, फिर ये सारा तामझाम यहाँ से बंद करके चलेंगे। यहाँ से जी सारा काम लोड कर लिया है, लेकिन दोस्तों गड़बड़ हो रही है, जैसे नाड़ ऊंची हो रही है तो बच्चे इस पर आकर लटकते हैं, तो दोस्तों इसे काट के हमें बिल्कुल नीचे मिलाना होगा, अन्यथा दोस्तों नुकसान हो सकता है। इसमें बच्चों ने फिर चटका दिया, ऊपर का वाल जो लग रहा है इसमें डबल वाल लग रहे हैं, तो इसे निकाल के बड़े हिसाब से
करना होगा, नहीं तो बच्चे इसे तोड़ेंगे किसी दिन, लटकेंगे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, यहाँ पानी पीने के चक्कर में इस पर लटकते हैं नाल पे, और बच्चों का आपको पता ही है, उन्हें तो नटखटपने करने हैं कुछ ना कुछ। तो जी चल रहे हैं, सारा सामान समेट लिया, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके बैक करते हैं यहाँ से, यहाँ से पीछे लेकर बैक करते हैं जी, और चलते हैं छोल में उधर, वहाँ से गोले लाते हैं जी भर के, काफ़ी गोले देखो धूप के हो गए वे भी, आज भी वे भी धूप लग गई उन्हें, जबकि मैं सुबह उठाने चाह रहा था। बैठ रहे हैं जी ट्रैक्टर के ऊपर और ब्रेक को खोल रहे हैं और चाबी लगा रहे हैं, टिंग टांग हो जाए स्टार्ट मेरे फोर्ड। लो जी फोर्ड रेडी है बिल्कुल, वहां गेहूं का खेत निकल रहा है जी सामने। अब दोस्तों गेहूं पकते तो दिखाई देंगे, लेकिन आपको कहीं भी ऐसी डोवाडाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि खेत खेत पर मशीन खड़ी है जी, हमारे गांव में मशीनें बहुत हैं। तो जी सर दूसरे गियर में लगाते हुए चला देते हैं आगे, तो दोस्तों यहां से बैक कर लेंगे जी से, अभी बैक हो जाएगा। आगे हैं जी खेत पे, और ये देखे जी जितना भी ज्यादा खेत धूप में जल रहा है, पेड्डी देखो बड़े पोगो से ज्यादा नीचे वाली पेड्डी ज्यादा जोर कर रही है, देखो जी। दोस्तों इस बार जो है अगर थोड़ा सा ध्यान रख ले किसान भाई, 38 0238 और 0239 जो है पुराने बीज चल रहे हैं, 38 के नाम से ही चल रहे हैं, अब कहीं अपना सुपर प्रोडक्शन देगा, हर वैरायटी को पीछे छोड़ देगा दोबारे से, ये इतने मूड में चल रहा है जी। देखो अब कोई पानी नहीं आया, कोई कुछ नहीं, सूखा पड़ा जी, और धाएं धाएं चल रहा, थोड़ा सा गैप कर लो, थोड़ा सा बीज छांट लो। दोस्तों यहाँ ट्रैक्टर इसलिए रोका है, इनके गन्ने पड़े हैं ना, उठा के थोड़ा पीछे करूँगा, क्योंकि इस तरह से जो है गन्नों के ऊपर से हम ट्रैक्टर नहीं उतार सकते, ये गलत है, तो ये गन्ने हटाते हैं। दोस्तों गन्ने हट गए हैं जी रास्ते में से, और ये इनका सदी भी दिखा, भी देखो जी कितना बढ़िया निकला, कितने मोटे मोटे गन्ने थे इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप बीज छांट के बो और मेहनत कर लो थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी के मौसम की मेहनत ज़्यादा मांगता है गन्ना। रास्ते हट गए हैं जी गन्ने, अब चलते हैं अंदर ही ले चलते हैं जी, वहाँ ज़्यादा गोले पड़े हैं, वैसे बाद में आइडिया आया, नहीं तो मैं रमिंदर उठा के वहीं ले जाते, पेड़ के नीचे ध्यान ही नहीं करा हमने। ले आए हैं जी खेत में, बंद कर लेते हैं। बाबा राम राम। बाबा आके ट्यूबवेल पे नहा के फ्रेश हो गया दोस्तों, नवीन भाई वाली चल रही है सामने, और दोस्तों बुलबुल का घोंसला टूट गया, रात को अंधी ऐसी आ गई थी, अचानक बारिश आ गई थी, इसके लिए हमें खेद है, हम इसे बचा नहीं पाए, लेकिन दोस्तों प्रयास अपने चलते रहना चाहिए। हम गोले भर लेते हैं जी, और बढ़िया रहता है यहाँ से, हम तीन तीन चार चार गोले पेड्डे के नीचे ले जाते, आधा घंटा बच जाता हमारा, और थोड़े से जो पोगे वोगे टूटे हैं ये बच जाते। गोले भर लिए हैं जी, अब चल रहे हैं फटाफट दोस्तों, बच्चों का भी टाइम हो रहा होगा आने का, स्टार्ट कर लेते हैं। जी पहले गियर में ही ले चलेंगे, पहला इसका यहाँ है जहाँ वो ट्रैक्टरों का बैक रहता है। दोस्तों बच्चे आ गए हैं, रास्ते में लग गया है जी जाम, अब ये गुड़ का छोटा हाथी हटेगा, फिर ये लक्कू वाली गाड़ी अंदर जाएगी, जब मैं जाऊंगा इतने बच्चे आ जाएंगे। और इसी के साथ बच्चे आ गए हैं फ्रिंग भागते भागते, एंड फोर्ड भी चढ़ गया है धीरे धीरे। दोस्तों हाई के पहले मैं चढ़ाया, अरे गांव में इतनी भीड़ है, मैं ही क्या करता। ओहो अभी इतना भागेगा, हद कर रहा है, बिल्कुल सुन नहीं रहा, लो मैं चल। लो जी ओहो हद होगी, न्यार भी कटेगा, बंद हो जा भैया फोड़सन।
दोस्तों गांव में इतना ट्रैफिक था कि मेरा आधा घंटा खा गए। कमाल हो गया जी, हद होगी भाई। आज तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर चला था, इतना जाम था जी गांव में, बुझो मत ना। दोस्तों यहां तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। दम लेकर दोस्तों चारा काटते हैं जी फटाफट, सुबह से चारा नहीं है पशुओं के लिए। टिंग टोंग चूली बूली।